आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस कृषि बिलों को लेकर बुलाई गई है और जिस तरीके से कृषि बिलों को लेकर विपक्ष के सदस्यों के द्वारा जिस तरीके का भ्रम फैलाया जा रहा है, लोगों को उकसाया जा रहा है, किसानों को उद्वेलित किया जा रहा है और इन बिलों की अगर वास्तविकता हम देखें तो इन बिलों के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है कि जिसकी वजह से किसानों का अहित कोई होने वाला है। तीन बिल अभी जो संसद के द्वारा पारित किए गए हैं, पहला बिल इस बात की आजादी देता है कि किसान अब फ्री हैं, उनको जहां पर भी अपनी उपज का अच्छा पैसा मिल रहा है वहां पर वो अपनी उपज को बेच सकता है। आजादी के बाद में किसानों के ऊपर ये प्रतिबंध था कि सिर्फ और सिर्फ उसके नजदीकी जो मंडी है उस मंडी के अंदर ही किसान अपनी फसल को बेच सकता है, दूसरे जिले में या दूसरे राज्य में अगर वो अपनी फसल को लेकर जाता है तो मंडी सेक्रेटरी के द्वारा उसके ऊपर पेनल्टी भी लगाई जाती है, उसको प्रताड़ित भी किया जाता था। अब इस बिल के अंदर इस बात की आजादी दी गई है कि किसान चाहे तो वो मंडी के अंदर अपनी फसल को बेचे, चाहे तो अपने घर के ऊपर बेचे, चाहे तो वो अन्य जिलों के अंदर ले जाके बेचे, चाहे अन्य राज्यों के अंदर ले जाके अपनी फसल को बेच सकता है जहां उसको उसकी फसल का उचित मूल्य मिलता हो। एक आरोप इस बात का भी बार बार लगाया जाता है कि साहब एमएसपी को खत्म करने की योजना भारत सरकार की है, लेकिन देश के प्रधानमंत्री जी ने किसानों को आश्वस्त किया है कि एमएसपी के ऊपर खरीद जारी रहेगी। देश के कृषि मंत्री जी ने भी ये किसानों को आश्वस्त किया है कि हम लिखित के अंदर ये देने के लिए तैयार हैं कि एमएसपी के ऊपर खरीद जारी रहेगी, एमएसपी बंद नहीं होगी। जो आशंकाएं किसानों की थी उन आशंकाओं को पूर्ण रूप से निदान करने का काम भारत सरकार के कृषि मंत्री जी ने और देश के प्रधानमंत्री जी ने किया है। दूसरा बिल इस बात का था कि संविदा की खेती बार बार प्रत्येक स्तर के ऊपर प्रत्येक बैठक के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, अपने वक्तव्यों के माध्यम से और संसद के अंदर भी जवाब के अंदर ये बात स्पष्ट हो चुकी है कि जो संविदा की खेती है वो सिर्फ और सिर्फ फसल की संविदा है, ना कि जमीन की संविदा है। लेकिन उसके उपरांत भी प्रतिपक्ष के कई विचारधाराओं के लोग, चाहे वो कांग्रेसी विचारधारा के लोग हो चाहे कम्युनिस्ट विचारधारा के लोग हो, इस तरीके का भ्रम फैलाया जा रहा है कि कई उद्योगपति आएंगे, कई कंपनी आएगी, जमीन किसानों की हड़पने का काम करेंगे, जब जमीन की संविदा है ही नहीं, सिर्फ फसल के ऊपर कॉन्ट्रैक्ट होगा तो उसके बाद ऐसी कोई बात रह नहीं जाती कि जिसके आधार के ऊपर ये कहा जाए कि आपकी जमीन को हड़पने का काम किया जाएगा। तीसरा जो बिल है वह है कि वस्तु अधिनियम 1955 के अंदर ये लागू किया गया था, जिस समय उत्पादन कम होता था और उत्पादन कम होने के वजह से लोग कालाबाजारी करते थे इकट्ठा माल को संग्रह करके, तो उसके ऊपर यह नियंत्रण हटा दिया गया क्योंकि अब इस प्रकार की कोई संभावना नहीं है। और फिर भी सरकार ने आश्वस्त किया है कि गृह युद्ध की स्थिति में या आक्रमण की स्थिति में या अन्य परिस्थितियों के अंदर इनको वापस लागू किया जा सकता है। तो मेरे ख्याल से ऐसी कोई बात रह नहीं जाती कि जिसके आधार के ऊपर लोगों के मन में यह भ्रम पैदा किया जाए कि इन तीनों बिलों से किसानों का अहित होने वाला है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार चाहे राजस्थान के अंदर रही हो चाहे केंद्र में रही हो, हमेशा किसानों के हित की बात कही है। और आपने देखा भी होगा कि 2014 से पहले किसान खाद बीज लेने के लिए जाते थे, बड़ी बड़ी लाइनें लगती थी, कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस को कई बार डंडे भी चलाने पड़ते थे, कई किसान डीएपी या यूरिया लेने के लिए जाते थे तो कई बार लाठीचार्ज के दौरान उनको खाद नसीब होता था। लेकिन 2014 के बाद में इस प्रकार की प्रक्रिया अपनाई गई कि किसानों को कभी लाइन में खड़ा नहीं रहना पड़े और आज 2014 से लेकर 2020 विगत 6 सालों के अंदर कभी किसान को लाइन में खाद देने के लिए खड़ा नहीं होना पड़ा। जो पहले खराबा 50% फसल का होता था तभी उसको मुआवजा राशि मिलती थी, उस खराबे को भी 50% से घटाकर 33% किया गया, वो भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा किया गया। पहले ग्राम पंचायत को इकाई माना गया था जो इंश्योरेंस कंपनियों के द्वारा, अब किसान के खेत को इकाई, अगर किसान के खेत के अंदर भी अगर नुकसान हुआ है तो उसको भी मुआवजा पाने का हक है। राजस्थान के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने चाहे ओलावृष्टि हो चाहे शीतलहर की वजह से अगर किसानों की फसल का नुकसान हुआ है तो उसको हमेशा मुआवजा देने का काम किया है। कांग्रेस की सरकार ने इस प्रकार का कृत्य कभी नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 10,000 रुपये की सब्सिडी किसानों को एग्रीकल्चर बिलों के अंदर देकर गई थी, 833 रुपये प्रतिमा। राजस्थान की सरकार ने आते ही सबसे पहले उस एग्रीकल्चर सब्सिडी को भी बंद करने का काम किया।
राजस्थान के अंदर किसानों को ऋण माफी का वादा करके आए थे, संपूर्ण ऋण माफी का वादा किया था, लेकिन सिर्फ सहकारिता के भी चंद लोगों को ऋण माफी का लाभ देकर राजस्थान की सरकार वाही वाही लूटने का काम कर रही है। मैं चाहूंगा कि संपूर्ण कर्ज माफी के अंदर केसीसी के भी वो किसान ऋणधारी जिन्होंने केसीसी के माध्यम से ऋण ले रखा है, मैं चाहूंगा कि राजस्थान की सरकार संपूर्ण कर्ज माफी का वादा पूरा करे और केसीसी के धारकों को भी वो ऋण माफी का लाभ देने का काम करे। राजस्थान के अंदर और चाहे केंद्र में यूपीए सरकार के समय दोनों ही कांग्रेस की सरकारें जब जब भी रही है किसानों के हित में कोई काम नहीं किया, और मैं चाहूंगा कि इन तीनों बिलों के अंदर 1% भी किसानों का अहित नहीं है। और जब देश के प्रधानमंत्री जी ने आश्वस्त कर दिया उसके बावजूद भी इस तरीके का भ्रम फैलाने का काम प्रतिपक्ष के कई सदस्य कर रहे हैं, कई विचारधारा के लोग कर रहे हैं। मैं चाहूंगा कि भ्रम में आने की आवश्यकता नहीं है, इन तीनों बिलों से किसान का हित होने वाला है, और यदि इन बिलों के अंदर थोड़ी सी भी अगर किसानों का हित होगा तो भारत की सरकार इसको गंभीरता से लेकर उनके हित का काम ही करेगी, अहित का काम कभी नहीं करेगी। तो आज की प्रेस वार्ता का मुख्य बिंदु यही था कि इन तीनों बिलों को लेकर जो भ्रम फैलाया जा रहा है उस भ्रम के अंदर किसानों को आने की आवश्यकता नहीं है। और दूसरा, कल 25 तारीख है, अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती है। अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती के अवसर के ऊपर देश के प्रधानमंत्री जी का संबोधन हम सबको 12 बजे सुनने को मिलेगा, और कल देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एक बहुत बड़ी किसानों को राहत देने की, जो उनके 6,000 रुपये वार्षिक किसानों के खाते में डालने का काम भारत सरकार प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना के तहत कर रही है, उस योजना के तहत बहुत बड़ी राशि भी ट्रांसफर कल होगी। आप सबसे मैं चाहूंगा और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ता से चाहूंगा कि कल की देश के प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी का उद्बोधन हम सब सुने, और 25-26 तारीख को चौमू विधानसभा क्षेत्र के अंदर एक किसान चौपाल हम आयोजित कर रहे हैं। वो किसान चौपाल 12 बजे आयोजित होगी, जयपुर रोड के ऊपर जो गार्डन है वहां पर आयोजित होगी। तो ये कार्यक्रम हमारे निरंतर रूप से किसानों को सजग करने के लिए, जागरूक करने के लिए, और इन तीनों बिलों से किसानों का हित होगा, ऐसी मैं आप सभी से एक निवेदन और करना चाहूँगा कि वर्तमान में परिस्थितियों के अंदर जहाँ भारत सरकार ने किसानों के एक ने अनेकों ऐसी योजनाएं जिसके अंदर स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट जो कहती थी 2007 के अंदर जब ये रिपोर्ट आ चुकी उसके बावजूद भी 2014 तक यूपीए की सरकार रही उसके ऊपर कोई मंथन नहीं किया, लेकिन देश के प्रधानमंत्री जिनका आया कि 2022 तक किसानों की आमदनी दुगनी करने का हमारा लक्ष्य है, वो दुगनी करने के क्षेत्र के अंदर भारत सरकार काम कर रही है, लेकिन जिस तरीके से किसानों का अहित करने का काम और सिर्फ अपना राजनीतिक स्वार्थ सिद्धि साधने का काम कांग्रेस और अन्य घटक दल कर रहे हैं, मेरे ख्याल से अनुचित है, और कम से कम किसानों के हित में कभी तो कांग्रेस खड़ी रहे ऐसी भगवान उनको सद्बुद्धि दे, मैं ऐसा भी ईश्वर से चाहूंगा। और आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के यही मुद्दे थे, मैंने मेरी बात पूरी रख दी, आपके मन में अगर कोई बात हो तो आप पूछ सकते हैं। आपका जो कृषि कानून लेकर आए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आज जो नागौर सांसद है वो चौमू पहुंचे हैं, इसके विरोध में सभा को संबोधित कर रहे हैं किसानों को लेकर, तो क्या लगता है किसान को कहीं भ्रमित किया जा रहा है या किसानों को समझ नहीं आ रहा? RLP ने लोकसभा चुनाव के अंदर भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन किया था और उस गठबंधन का धर्म भारतीय जनता पार्टी निभा रही है। जब संसद के अंदर ये कानून पेश किए गए, बहस के दौरान भी, बहस के उपरांत भी, जब उनसे पूछा गया था कि जो संसद के अंदर कानून पारित किए गए हैं उनके बारे में क्या है, तो उनके सुप्रीमो ने यही कहा था कि ये किसानों के हित के अंदर है। अब क्यों है, कैसे है, क्यों कर रहे हैं, ये उनका व्यक्तिगत मामला है, उनकी पार्टी का निर्णय है, वो जैसा निर्णय चाहे वैसा निर्णय करें, लोकतंत्र के अंदर सबको आजादी है। बाकी मैं ये कह सकता हूं कि इन तीनों बिलों के अंदर किसानों का 1% भी अहित नहीं है, ये तीनों बिल किसान को उन बेड़ियों से आजादी दिलाने के लिए है जो वर्षों से उनके पैरों के अंदर जकड़ी पड़ी थी। दिखने में ये लगता है कि मंडी के अंदर जो व्यापारी खरीद रहे हैं मंडी का टैक्स उन व्यापारियों के ऊपर लग रहा है, लेकिन वास्तविकता ये भी है कि कोई भी व्यापारी, चाहे मैं ही हूं, अगर मैं भी कोई इंडस्ट्री लगाता हूं तो मैं उसकी लाभ हानि का गणना पहले करता हूं कि मुझे कितना लाभ हो रहा है, कितनी हानि हो रही है, और उसके बाद के अंदर उसका मूल्य मैं तय करता हूं। तो अगर कोई व्यापारी है तो व्यापारी भी अपना हित पहले देखकर गुणा भाग करके फिर किसी फसल को खरीदता है, दिखने में टैक्स मंडी का व्यापारी चुकाता है, लेकिन जब किसानों का भाव मंडी के अंदर वो उस अपने आकलन के आधार के ऊपर करता है
तो अप्रत्यक्ष रूप से वो मंडी का टैक्स भी किसानों को ही चुकाना पड़ता है। तो आज किसानों को जब आजादी मिल रही है कि वो चाहे जहां बेचे, जहां उसको 2 रुपए अधिक मिल रहे हो वहां बेचे, तो मेरे ख्याल से ये किसानों के हित की बात है। तो कुछ नहीं है बस अब कह रहे।